दूरदर्शन ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए पुराने एनालॉग टीवी ट्रांसमीटरों को पूरी तरह से हटा दिया है। आखिरी चरण में 1000 से ज्यादा ट्रांसमीटरों को हटाकर नए जमाने के साथ एक नई शुरुआत की है। इसके साथ ही फ्री डीटीएच सेवा में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। 2004 में शुरू हुई फ्री डीटीएच सेवा के साथ 2017 में 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख ग्राहक जुड़े थे, जो अब 2022 में बढ़कर 43 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 30 लाख हो गए हैं। दूरदर्शन के पुराने ट्रांसमीटरों को देश भर से पूरी तरह से हटाने की जानकारी प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने दी। साथ ही उन्होंने दूरदर्शन के डिजिटलाइजेशन से जुड़े बड़े बदलाव और उससे आने वाले करोड़ों के राजस्व लाभ के बारे में भी बताया। यानी अब डीडी फ्री डिश डीटीएच 43 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंचने वाला देश का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। हाल ही में 2022 में जारी फिक्की और ईवाई की रिपोर्ट ये पुष्टि करती है कि डीडी फ्री डिश ने किस तरह मजबूती के साथ अपने विकास का पथ जारी रखा और तेजी के साथ 4 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रसार भारती की फ्री डीटीएच सेवा में ग्राहकों को हर महीने कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ता, बस शुरू में मात्र 2000 रुपए में सेटअप बॉक्स लेना होता है, फिर ये सेवा बिना रुके लगातार चलती रहती है। प्रसार भारती की तरफ से जो दूसरा बड़ा सुधार हुआ वो ये रहा कि पुराने ट्रांसमीटर हटा दिए गए। इससे स्पेक्ट्रम और मैन पावर के खर्च की बड़ी बचत हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रसार भारती की सेवाएं नए जमाने के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं और उतनी ही लोकप्रिय बनी हुई हैं जितनी की शुरुआती दौर में हुआ करती थी। आंकड़े बताते हैं कि शहर से लेकर गांव तक करोड़ों लोग आज भी दूरदर्शन को उतना ही प्यार दे रहे हैं। न्यूज ब्यूरो।